Vayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार आप सभी का स्वागत है पाठ्यक्रम शीर्षक माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत और आज के व्याख्यान का शीर्षक है संविदा भंग के लिए वाद संविदा भंग के लिए वाद का यह व्याख्यान इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याख्यानों की श्रृंखला में अंतिम व्याख्यान है जो इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए विभिन्न शीर्षकों में दस व्याख्यानों की कड़ी में दसवें व्याख्यान में है इसके अंतर्गत हम आज देखेंगे कि एक पक्षकार को चाहे वह क्रेता के रूप में है अथवा विक्रेता के रूप में उसे वाद के द्वारा या किसी अन्य तरीके के द्वारा अपने उन अधिकारों के प्रयोग के लिए जो संविदा भंग के परिणाम स्वरूप मिले हैं उसका प्रयोग वह किस प्रकार कर सकता है अथवा विधि किस प्रकार किसी भी पक्षकार को चाहे वह क्रेता हो अथवा विक्रेता उसे उन अधिकारों के द्वारा संरक्षित करती है जो संविदा भंग के द्वारा उत्पन्न होते हैं इन अधिकारों की चर्चा करने से पहले हमें एक बार अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान को याद करना होगा क्योंकि इस अध्याय के अंतर्गत और इस पूरे अधिनियम के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि माल विक्रय की संपदा के या माल विक्रय की संपत्ति में अंतर को होना जब भी कोई माल विक्रय की जो करार या माल विक्रय की जो संविधा है उसमें माल में की संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो ऐसे में माल की संपत्ति का अंतरण होने के कारण उस संपत्ति के अंतरण में जोखिम भी आते हैं और वह जोखिम किसके द्वारा वहन किया जाना है क्या वह जोखिम विक्रेता का होगा अथवा वह जोखिम क्रेता का होगा उस परिस्थिति पर निर्भर करता है जहाँ हम यह प्राप्त कर सकें कि माल में की संपत्ति का अंतरण हो गया है अथवा नहीं हो गया है क्योंकि स्वामित्व का अंतरण होना ही जोखिम के अंतरण को साथ में लेकर जाता है यानी यदि में की संपत्ति का अंतरण विक्रेता से क्रेता को हो चुका है तो उसके साथ सभी जोखिम भी क्रेता को चले जाएंगे ऐसे में सभी जोखिमों में एक जोखिम यह भी है जो अभी माल में की संपत्ति का अंतरण होने से पूर्व विक्रय के करार में निहित है कि संविदा का भंग कर दिया जाए तब ऐसे में संविदा का भंग होने पर वह किस प्रकार विधि द्वारा संरक्षित कर दिया जाएगा चाहे यह भंग क्रेता द्वारा किया गया हो चाहे यह विक्रेता द्वारा किया गया हो इसका अर्थ यह भी है कि विधि उन अधिकारों के बारे में उपबंध कर रही है जो किसी क्रेता को भी प्राप्त हो सकते हैं और विक्रेता को भी प्राप्त हो सकते हैं इसीलिए आज के व्याख्यान में संविदा भंग से उत्पन्न होने वाले अधिकारों के बारे में हम लोग दो श्रेणियों में चर्चा करेंगे एक जब किसी पक्षकार विषय इसका अधिकार हो और दूसरा जब दोनों ही पक्षकार का अधिकार हो अर्थात ক্রেতা কো সংবিধান ভঙ্গ কি স্থিতি মে বিক্রেতা কে विरुध কি অধিকার মিল রাহা হ্যায় ইয়া কিসি ক্রেতা কো সংবিধান ভঙ্গ কি স্থিতি মে কি অধিকার মিল রাহা হ্যায় অর তিসরি বাত সংবিধান ভঙ্গ হোনে কি দশা মে ক্রেতা অর বিক্রেতা দোনো কো হি কি অধিকার উপলব্ধ হ্যায় ইস বাত কো আগে बढने के लिए हमें यह एक बार समझ लेना चाहिए कि पक्षकारों में चाहे वह क्रेता हो अथवा विक्रेता हो उनके अधिकार का संरक्षण और सृजन माल में की संपत्ति के अंतरण यानी माल विक्रय की संविदा के कारण ही निर्भर करते हैं यानी जो अधिकार हैं वह चाहे क्रेता के विरुद्ध मिल रहे हों चाहे विक्रेता के विरुद्ध मिल रहे हों उसको संरक्षित करने के लिए इस अधिनियम में पहले से ही बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जैसे कि धाराचार चुकी या उपबंध करती है कि माल विक्रय की संविधा एक ऐसी संविधा है जिसमें कीमत के बदले माल में की संपत्ति का अंतरण किया जाना है लेकिन इसके अंतर्गत माल में की संपत्ति का अंतरण करने की संविधा तथा ऐसा करने का करार दोनों ही सम्मिलित है अर्थात इस अधिनियम की विषय वस्तु में यह जो सबसे अधिक महत्व का विषय है वह यह कि माल विक्रय की संविदा का तात्पर्य संविदा का पूरा होना नहीं या विक्रय का पूरा होना नहीं है बल्कि इसके अंतर्गत दोनों ही तत्व शामिल हैं चाहे विक्रय हो चुका हो या महज अभी यह एक करार हो तो ऐसे में जैसे ही कोई पक्षकार माल विक्रय की संविदा के अंतर्गत विक्रय के करार के अंतर्गत आता है तब उसका यह दायित्व तो होता है कि वह शर्तों को पूरा करके या अगर कोई समय दिया गया है तो उसके संपरिवर्तन के बाद उस करार को विक्रय में बदलने के लिए बढ़े लेकिन करार होने के बाद या करार के संसर्ग में आने के बाद विक्रय पूर्ण होने के पहले ही किसी बिंदु पर यदि संविदा भंग कर दी जाती है तो ऐसी संविदा भंग से होने वाली नुकसानी का वहन किसके द्वारा किया जाएगा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि संविदा भंग किस पक्षकार द्वारा किया गया है क्या यह संविदा भंग किसी क्रेता द्वारा किया गया है अथवा यह संविदा भंग किसी विक्रेता द्वारा किया गया है ऐसी ही परिस्थितियों में दोनों को ही एक दूसरे के लिए संविदा भंग के लिए वाद दाखिल करने का अधिकार और कौन से अन्य अधिकार हैं जो इस अधिनियम में दिए गए हैं और इस प्रकार वे अन्य अधिकार भी जो दोनों ही पक्षकार चाहे क्रेता हो अथवा विक्रेता हो उनको प्राप्त होते हैं इन अधिकारों की चर्चा करने के लिए हमको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम आज जिन अधिकारों की व्याख्या कर रहे हैं उन परिस्थितियों की व्याख्या कर रहे हैं वह संविदा भंग के कारण उत्पन्न हुए हैं लेकिन अधिकारों और उत्तरदायित्व के क्रम में इस अधिनियम में पहले से ही बहुत सारे प्रावधान हैं जो इस बिंदु पर निर्भर करते हैं कि जहाँ विक्रय हो चुका हो या विक्रय का करार चल रहा हो जैसे कि विक्रय पूरा होने पर जहाँ माल में की संपत्ति का अंतरण हो चुका है वहाँ पर यदि अपने कर्तव्य का भंग करते हुए क्रेता ने विक्रेता की लिए जो असंदत स्थिति में रखा है या उसकी कीमत का भुगतान नहीं किया है इसीलिए हमने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान विशेषकर व्याख्यान के कड़ी में आठवें और नौवें व्याख्यान में यह देखा कि एक असंदत विक्रेता को असंदत होने की स्थिति में कौन कौन से अधिकार उपलब्ध हैं और उन अधिकारों का प्रयोग वह अधिकार के रूप में या रास्ते में माल के रोके रखने के अधिकार के रूप में किस प्रकार करता है पारागमन की अवधि अर्थात वह कौन सी अवधि है जिसमें एक असंदत विक्रेता रास्ते में अपने रोके रखने के अधिकार को या माल को प्राप्त करने के अधिकार को जीवित रख सकता है और वह कौन सी परिस्थिति है जब वापस एक असंदत विक्रेता पुनर्विक्रय के अधिकार का प्रयोग कर सकता है इस प्रकार इस पूरे ही व्याख्यान की कड़ी में जो सर्वाधिक मूल्यवान सार तत्व थे वह यह कि सबसे पहले माल विक्रय की संविदा में माल विक्रय के कौन कौन से तत्व हैं जो इसे माल विक्रय की संविदा बनाते हैं तो इसमें यह जानना आवश्यक है कि माल विक्रय की संविदा के अंतर्गत पहले तो विक्रय होना चाहिए और यदि विक्रय नहीं है तो विक्रय के करार को भी हम विक्रय की संविदा में रखेंगे और इसी के संदर्भ में जो पक्षकारों की परिभाषा दी गई है चाहे वह क्रेता की परिभाषा धारा दो की उपधारा एक में हो चाहे विक्रेता की परिभाषा धारा दो की उपधारा तेरह में हो इसमें क्रेता और विक्रेता को ऐसे पक्षकार के रूप में माना गया है जो किसी माल में की संपत्ति को कीमत के बदले अंतरित करने में सहमत होता हो या माल की सीमांतरण करने में कीमत देने के लिए सहमत होता हो या करार करता हो अर्थात जो इस करार को पूरा भी कर सकता हो और जो इस करार को पूरा करने के लिए अपनी सहमति भी देता हो दोनों ही तत्व माल विक्रय की संविदा के अंतर्गत रखे गए हैं दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि माल विक्रय की संविदा के अंतर्गत किस प्रकार का विक्रय किया जाना है क्योंकि विक्रय करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं कुछ चल प्रकृति की हो सकती हैं कुछ अचल प्रकृति की हो सकती हैं लेकिन हमने पूर्ववर्ती व्याख्यान में स्पष्ट रूप से देखा कि यहाँ जिन संपत्ति की हम बात कर रहे हैं वह चल प्रकृति की संपत्ति होंगी अर्थात ऐसी संपत्ति जो अधिनियम की धारा दो की उपधारा सात के अंतर्गत माल की परिभाषा में आती हैं वही इसके विषय वस्तु को बनाएगी तीसरी बात जो इस व्याख्यान में हम लोगों ने देखा और जिसके संदर्भ में आज हम यह देख रहे हैं कि यदि किसी पक्षकार ने अपने संविदा का भंग किया तो उससे उत्पन्न होने वाले रादों के लिए उसके पास क्या अधिकार होगा उसमें हमें यह समझना होगा कि यह सामान्य व्यवहार या समव्यवहार की श्रेणी में नहीं आते हैं यद्यप कि ये ऐसे अधिकार या ऐसे संविदा या ऐसे निबंधन हैं जो दो पक्षकारों में मात्र माल के क्रय या विक्रय के लिए किया जाना है लेकिन वर्तमान वाणिज्यिक संव्यवहार जो व्यापारिक परिस्थिति है और जो ग्लोबल या जिसको वैश्वीकरण का युग आप कह सकते हैं इसमें इसकी महत्ता को देखें तो यह एक ऐसा और ऐसे महत्व की संविधा है जिसमें पक्षकारों के संव्यवहार और उनके अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं शायद यही एक कारण रहा कि इससे इतनी महत्वता देते हुए भारतीय संविधा अधिनियम में पहले से प्रावधानित जो प्रावधान थे उनसे अलग करके एक अधिनियम का रूप दिया गया और इसलिए इनकी महत्ता को समझते हुए इस अधिनियम में भी वो सभी अधिकार दिए गए जो एक पक्षकार को संविदा भंग से उत्पन्न होने पर अधिकार के रूप में मिलना चाहिए क्योंकि यह बात स्पष्ट है कि यद्यप की माल विक्रय की संविधा एक विशेष प्रकार की संविधा है लेकिन इसके सामान्य प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम से ही प्रभावित होते हैं वे सभी आवश्यक तत्व जो भारतीय संविदा के अंतर्गत संविदा के लिए आवश्यक है उसको यहाँ पर भी निरूपित करना आवश्यक है और यहाँ पर भी वह लागू होंगे लेकिन फिर भी यह आवश्यक है कि इस विशेष अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी प्रकार से संविदा भंग हुआ तो उसके लिए विशेष रूप से कौन से अधिकार और कर्तव्य निरूपित किए जाएं, जो कि पहले से ही भारतीय संविधा अधिनियम में एक संविदा के भंग होने के उपचारों के रूप में दिए गए थे उसको संदर्भित करते हुए स्पष्ट और अधिनियमित प्रावधान के रूप में इस अधिनियम में चर्चा के साथ दिए गए हैं इस प्रकार जो हमारे आज के व्याख्यान का वह प्रमुख उद्देश्य है उसमें इस बात को समझना कि विक्रय की संविदा एक ऐसी संविदा है जहां चूँकि कीमत के बदले माल का अंतरण किया जाना है अर्थात विक्रेता के पास यह अधिकार है कि उसके प्रारंभिक स्वामित्व से उत्पन्न होने और माल का अधिपत्य प्राप्त करने के लिए क्रेता को आवश्यक शर्त के रूप में कीमत की अदायगी करनी है अर्थात अनुबंध के उल्लंघन से संबंधित मामला हो माल के विक्रय के जो यह अधिनियम यानी माल विक्रय अधिनियम 1930 है इसमें संदर्भित उपचारों का मामला हो इन सभी को इस व्याख्यान के अंतर्गत हम तीन हिस्सों में देखते हैं सबसे पहले क्रेता के विरुद्ध यदि कोई संविदा भंग होता है तो विक्रेता के पास क्या उपाय या उपचार हैं जिसे अधिनियम की धारा पचपन और छप्पन में स्पष्ट किया गया है यदि विक्रेता के विरुद्ध संविदा भंग का कोई उपचार प्राप्त करना हो तो क्रेता के पास उपचार धारा सत्तावन अट्ठावन और उनसठ में उपलब्ध हैं और इस प्रकार क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए ही इस अधिनियम के अंतर्गत धारा साठ और इकसठ में प्रावधान करके संविदा भंग के उपचारों को समाहित किया गया है यानी जो माल विक्रय की जो संविदा होती है या जो अनुबंध होता है इसमें कुछ पूर्ववर्ती शर्तें भी हो सकती हैं या ऐसे कारण भी हो सकते हैं जिसके लिए माल विक्रय की संविदा में अभी माल की विक्रय की संविदा को करार तक सीमित किया गया हो लेकिन वह करार जैसा कि हम धारा चार की धाराचार में पढ़ते हैं कि समय के बीत जाने या शर्तों के पूरा हो जाने के बाद विक्रय के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं परंतु इस पूरे ही प्रक्रिया के दौरान अर्थात एक बार करार में पक्षकारों के आ जाने के पश्चात उस करार के विक्रय के रूप में पूर्ण हो जाने के बीच में क्या अगर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जहां एक पक्षकार ने आखिरी वक्त में अपने कर्तव्य को पूरा करने से मना कर दिया अर्थात क्रेता ने माल को खरीदने से इंकार कर दिया अथवा विक्रेता ने माल को बेचने का इंकार कर दिया ऐसे में क्या अधिकार होंगे इस संविदा भंग से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को लेकर के इसी अनुबंध के बारे में होने वाले प्रद्युत अधिकारों के बारे में संविदा भंग के उपचारों के बारे में इस व्याख्यान में उन सभी अधिनियमों के अंतर्गत प्रावधानों को हम शामिल कर रहे हैं जो इसके बारे में अपने प्रावधान को स्पष्ट करता है और किसी अनुबंध का उल्लंघन होना कोई कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उल्लंघन और अनुबंध यह दोनों व्यापारिक अनुक्रम में साथ साथ चलते हैं और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां प्राकृतिक रूप से भी आ सकती हैं विधिक रूप से भी आ सकती हैं कभी कभी पक्षकारों के ना चाहते हुए भी आ सकती हैं इसलिए हमें याद करना होगा कि भारतीय संविधा अधिनियम में जब हम संविदा भंग के उपचारों को देखते हैं तो उसमें उन सभी परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जैसे यदि संविदा भंग पक्षकारों के द्वारा सायसित किया गया हो ऐसा भी हो सकता है कि संविदा भंग किसी विधि के कारण हो गया हो या संविदा भंग करने के लिए संविदा भंग को पूरा ना करने के लिए और संविधा को प्रवर्तित ना करने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो कभी कभी ऐसा भंग पूर्वकालिक भी हो सकता है उन सभी परिस्थितियों की जो अवधारणा है वह भारतीय संविधान अधिनियम में दिया गया है लेकिन यह बात यहां हमें समझना होगा कि अनुबंध का उल्लंघन तब होता है जब कोई एक पक्षकार अपने दायित्व का त्याग कर देता है चाहे वह स्वयं के कृत्य से इसे असंभव बना दे या विधि द्वारा इसे संभव बना दे जिससे वह अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहा है चाहे पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा हो अथवा आंशिक रूप से नहीं कर पा रहा हो इसीलिए एसोसिएट सिनेमा अमेरिका बनाम वर्ल्ड एम्यूजमेंट में न्यायालय ने कहा कि अनुबंध का उल्लंघन उस समय होता है जब एक पक्षकार अपने दायित्व को त्याग दे या अपने स्वयं के कृत्य से उसे असंभव बना दे जिसके तहत वह अपने दायित्व को निभाए या पूरी तरह से निभाने में विफल हो जाए माल विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत इन सभी उपायों को वर्णित किया गया है जो ऐसे उल्लंघन के मामले में उपलब्ध है जैसे संविदा भंग के लिए वाद कौन लाएगा उस समय जब यह कीमत से संबंधित हो धारा पचपन इसका उल्लेख करते हुए कहती है कि जहां की विक्रय संविदा के अधीन और माल विक्रय की संविदा के अंतर्गत माल में की संपत्ति का अंतरण हो गया है अर्थात जब हम धारा चार की उपधारा एक को पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट होता है कि माल विक्रय की संविदा एक ऐसी संविदा है खासकर धारा चार की उपधारा तीन जो विक्रय की परिभाषा बताती है कि जहाँ कीमत के बदले माल का अंतरण कर दिया गया हो उसी परिस्थिति की परिकल्पना धारा पचपन की उपधारा एक में करते हुए कह दी गई है कि जहाँ विक्रय के संविदा के अधीन माल में की संपत्ति संक्रांत हो गई हो या साधारण शब्दों में जहां विक्रय पूरा हो गया हो और क्रेता संविदा के निबंधनों के अनुसार उस माल का संदाय करने में या सदोष रूप से इंकार कर देता है वहां विक्रेता माल की कीमत के लिए उस पर वाद ला सकेगा यानी कि यदि क्रेता जो संविदा की शर्त है उसके अनुसार उस माल का संदाय करने से अर्थात उसके ये जो कीमत देनी है उस कीमत देने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है तो विक्रेता एक ऐसे पद में आ गया जो एक असंदत्त विक्रेता के रूप में है तो असंदत्त विक्रेता माल की कीमत के लिए उस पर वाद लाने के लिए स्वतंत्र होगा धारा पचपन पर आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात और स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि धारा पचपन उस परिस्थिति की बात कर रहा है जहां पर एक असंदत विक्रेता किसी क्रेता के विरुद्ध कीमत को प्राप्त करने के लिए वाद लाने की सोचता है जबकि हम लोगों ने पहले ही अपने पुराने व्याख्यानों में यह देखा कि एक असंदत विक्रेता के पास बहुत सारे अधिकार हैं जिनका प्रयोग कीमत के लिए कर सकता है विशेषकर पूर्ववर्ती व्याख्यानों में हमने एक असंधत्त विक्रेता के धारणाधिकार रास्ते में माल के रोके रखने के अधिकार और पुनर्विक्रय के अधिकार की चर्चा की लेकिन यहाँ आपको याद दिलाना आवश्यक है कि जब हम एक असंधत्त विक्रेता के अधिकारों की चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने यह पाया था कि एक असंधत्त विक्रेता होने के कारण एक असंधत्त विक्रेता को क्रेता के साथ साथ माल के विरुद्ध भी अधिकार उपलब्ध है अर्थात असंधत्त विक्रेता को उपलब्ध अधिकारों का प्रयोग एक असंदत्त विक्रेता माल के विरुद्ध भी कर सकता था और क्रेता के विरुद्ध भी कर सकता था और इस प्रकार अभी तक हम लोगों ने जिन अधिकारों की चर्चा की विशेषकर धारणा अधिकार रास्ते में माल को रोके रखने का अधिकार और पुनर्विक्रय का अधिकार यह वे अधिकार थे जिनका प्रयोग एक असंधत्त विक्रेता ने माल के विरुद्ध किया था ना ही क्रेता के विरुद्ध किया था और आज हम जिन अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं विशेषकर ये जो धारा पचपन जिसमें कीमत के लिए वाद लाने का अधिकार है ये एक ऐसा अधिकार है जो एक असंदत्त विक्रेता द्वारा क्रेता के विरुद्ध किया जा रहा है ना कि माल के विरुद्ध और क्रेता के विरुद्ध अपने इस अधिकारों का प्रयोग करने के लिए इस धारा की अर्थात धारा पचपन की उपधारा एक स्पष्ट करती है कि जब कीमत का संदाय क्रेता द्वारा नहीं किया जाता है उसकी उपेक्षा कर दी जाती है या उसका सदोषपूर्ण इंकार कर दिया जाता है तो विक्रेता के पास अधिकार होगा कि वह क्रेता के विरुद्ध वाद ला सकता है और ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है जहाँ की विक्रय की संविदा के अधीन कीमत इस तथ्य को ध्यान में लाए हुए बिना कि परिदान हुआ है या नहीं हुआ है और किसी निश्चित दिन वह परिदान दे हो तब ऐसी कीमत क्रेता संदाय करने की उपेक्षा करता है या इनकार करता है वहां भी विक्रेता कीमत के बदले कीमत के लिए जो प्राप्त होने वाला कीमत है उसके लिए वा वाद लाने के लिए स्वतंत्र है अर्थात जहाँ विक्रय की संविदा के अधीन कीमत इस बात को दृष्टिगत किए हुए बिना कि परिदान किया गया है अथवा नहीं परिदान किया गया है यदि वह परिदान वह कीमत का निर्धारण और कीमत की आपूर्ति किसी निश्चित दिन होनी है तो उस निश्चित दिन कीमत का संदाय ना होने की दशा में एक विक्रेता क्रेता के विरुद्ध वाद लाने का अधिकार रखता है और जब क्रेता को माल का स्वामित्व तो मिल जाता है अर्थात एक ऐसी परिस्थिति कि जब माल विक्रय की संविदा के अधीन विक्रय पूरा हो चुका हो तब ऐसे में क्रेता उसकी कीमत देने के लिए बाध्य हो जाता है क्योंकि धारा चार में हम जब विक्रय की परिभाषा को पढ़ रहे थे तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि माल में की संपत्ति का हस्तांतरण कीमत के बदले किया जाना अर्थात जब विक्रेता द्वारा माल में की संपत्ति का सामान्य अर्थ है स्वामित्व तो जब विक्रेता द्वारा उस वस्तु का स्वामित्व क्रेता को होगा तो उसके बदले क्रेता द्वारा कीमत का भुगतान किया जाना है और कीमत के भुगतान का अर्थ भी हम लोगों ने देखा था कि जब हम धारा दो की उपधारा दस को पढ़ रहे थे जिसमें कीमत को परिभाषित करते हुए कहा गया था कि कीमत ही वह प्रतिफल है जो माल में की संपत्ति के अंतरण के बदले क्रेता द्वारा विक्रेता को दी जाएगी जो धन के रूप में होगी ऐसे में जैसे ही क्रेता को उस माल या उस वस्तु पर स्वामित्व तो प्राप्त होगा वह कीमत देने के लिए विधिता बाध्य हो जाएगा और यदि वह कीमत ना दे तो विक्रेता वाद ला करके उस कीमत की वसूली कर सकता है अर्थात यदि संविदा में स्वामित्व के अंतरण तथा कब्जे के परिदान से संबंध में ना रखते हुए भी कीमत का भुगतान करने का समय निश्चित कर दिया गया है और क्रेता संविदा के अनुसार उसका भुगतान नहीं करता है तो विक्रेता कीमत को प्राप्त करने का जो वाद है वह वा अधिकार पूर्वक धारा पचपन की उपधारा दो में ला सकता इसे संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने गंगानगर सुगर मिल्स बनाम रामेश्वर दास के वाद में स्पष्ट रूप से कहा कि नीलामी जब एक बार संपन्न होती है तो नीलामी जैसे ही संपन्न होगी तुरंत ही उसमें संपत्ति का अंतरण हो जाएगा यह जो नीलामी थी इस वाद विषय में चीनी के संदर्भ में नीलामी की बात थी जो एक विनिर्दिष्ट वस्तु अर्थात जिसको नीलामी करने के लिए स्पष्ट रूप से अस्तित्व में प्राप्त कर लिया गया था और जिनकी गिनती की जा सकती थी यानी कि जब हम माल की परिभाषा और उसके प्रकार पढ़ रहे थे विशेषकर धारा छः में जहाँ माल के वर्गीकरण की बात की गई है और वहाँ पर माल के वर्गीकरण में जब वर्तमान माल और भावी माल को बताया गया था तो वर्तमान माल के संदर्भ में विनिर्दिष्ट माल की परिभाषा जिसे हम धारा दो की उपधारा चौदह में देखते हैं तो यह उसी श्रेणी के माल के अंतर्गत आता था और एक सामान्य नियम यह है कि यदि माल विनिर्दिष्ट माल की श्रेणी का है तब जैसे ही अंतरण होगा यह मान लिया जाएगा कि माल में की संपत्ति का अंतरण भी विक्रेता के द्वारा क्रेता को हो गया है इस प्रकार यह जो मामला था गंगानगर सुगर मिल के मामले में जैसे ही नीलामी संपन्न हुई बेची गई चीनी का जो अंतरण है वह क्रेता को मान लिया गया और बोलीकर्ता को अपने बोली के हिसाब से कीमत देने के लिए बाध्य किया गया इसमें तर्क यह दिया जा रहा था चूंकि क्रेता का कहना था कि उसने नीलामी में भाग लिया है और उसने मात्र बोली लगाई है और बोली लगाने मात्र से ही उसके स्वामित्व का अंतरण उसको नहीं हुआ है अर्थात अभी वह वस्तु का स्वामी नहीं बना है इसलिए वह माल के साथ उसके संबंध में जो कीमत है उसे देने के लिए वह विधिता बाध्य नहीं है और ऐसी लालसा वह इसलिए रखता था क्योंकि जैसे ही बोली लगाई गई और और उसने बोली के लिए जो माल देना था उस माल के विरुद्ध कीमत के जो संदाय की कीमत थी उसमें कंट्रोल के द्वारा एक निर्गत आदेश के कारण कुछ अंतर आ गया था यानी कि कंट्रोल द्वारा चीनी के संदर्भ में एक आदेश पारित हुआ जिसके द्वारा चीनी के दामों में कमी हो गई इस प्रकार यदि संदर्भ देखें तो यदि मान लिया जाए कि बोलीकर्ता को संपत्ति का अंतरण नहीं हुआ है तो उस कीमत को देने के लिए क्रेता को बाध्य नहीं किया जा सकता था और कोई निचली बोली या जो कंट्रोल द्वारा कम किए गए मूल्य हैं उस पर वह पुनः संविदा कर सकता था उस माल के लिए लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे ही नीलामी में बोली लगाई गई माल में की संपत्ति का अर्थात स्वामित्व का अंतर मान लिया जाएगा और जैसे ही माल में की संपत्ति का अंतर मान लिया जाएगा उसके बदले प्राप्त होने वाली कीमत को वह क्रेता विक्रेता को देने के लिए बाध्य होगा ऐसे में यदि क्रेता द्वारा सदोष कोई उपेक्षा की आती है तो विक्रेता उस कीमत को प्राप्त करने के लिए क्रेता पर वाद ला सकेगा और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो कीमत हो वो किसी दूसरे करेंसी में या विदेशी मुद्रा में हो जैसे मान लीजिए कि कार्यवाही किसी अन्य देश में प्रारंभ की गई हो तो उससे संबंधित नुकसानों की दशा में हमें यह भी देखना होगा कि उसका विनिमय मूल्य क्या था क्योंकि एक देश की राशि और भारत की राशि के मूल्यों में अंतर हो सकता है तो वह किस दिन देखा जाएगा क्या वह निर्णय के दिन देखा जाएगा नहीं स्पष्ट प्रावधान कहते हैं चूंकि जैसे ही माल में की संपत्ति का अंतरण हो गया वैसे ही स्वामित्व का अंतरण हो गया और स्वामित्व का जैसे ही अंतरण हुआ क्रेता विधि पूर्वक उसकी कीमत देने को बाध्य दे हो गया इसलिए जब भी कीमत का निर्धारण किया जाएगा खासकर विदेशी मुद्रा के संदर्भ में तो वह उस दिन किया जाना चाहिए जिस दिन माल में की संपत्ति का अंतरण हुआ न कि उस दिन किया जाएगा जिस दिन इसके संदर्भ में वाद विधि के माध्यम से कोई उपचार मिला हो या कोई निर्णय आया हो इस निर्णय से जो विदेशी मुद्रा के घटने या बढ़ने के प्रभाव पर कोई फर्क नहीं समझा जाना चाहिए इसी प्रकार कोलेव बनाम ओवरसीज एक्सपोर्ट के मामले में एक क्रेता जिसे उस जहाज़ का नाम बताना था जिसके द्वारा माल भेजा जाना था लेकिन क्रेता ऐसा बताने में असमर्थ रहा इसलिए जो विक्रेता को उपाय मिला वह था कि वह भंग के प्रतिकर के लिए वाद ला सकता था क्योंकि इस मामले में एक जहाज द्वारा जिस जहाज का नाम स्वयं क्रेता को बताना था उसके द्वारा वाहक उस जहाज पर विक्रेता का कर्तव्य था कि उस पर माल लादता और माल को उस वाहक के द्वारा क्रेता तक पहुंचाया जाता तो इस मामले में चूंकि क्रेता द्वारा जहाज का नाम ही नहीं बताया गया तो इसका अर्थ हुआ कि इस संदर्भ में माल की संपत्ति का अंतरण करने के आशय से वह अपने आप को निवारित करना चाहता था और इसलिए जो क्रेता थे उसको विक्रेता की तरफ से माल में की संपत्ति का अंतर किया ही नहीं गया अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यह जो संविदा थी यह वास्तव में विक्रय की संविदा हो ही नहीं पाई यह मात्र एक करार था जिस करार के अंतर्गत निबंधनों के अधीन क्रेता और विक्रेता उस माल को पहुंचाने के लिए कुछ शर्तों के अधीन कार्य कर रहे थे क्योंकि धारा चार की उपधारा तीन में हमने देखा था कि एक विक्रय का करार विक्रय में तब बदलेगा जब दी गई शर्तें पूरी हो जाए और पर एक शर्त थी और शर्त यह थी कि क्रेता को उस जहाज का नाम बताना है ऐसे में क्रेता द्वारा उस जहाज का नाम नहीं बताया गया तो यह नहीं कहा जा सकता कि विक्रय पूरा हुआ बल्कि यह एक विक्रय का करार था और विक्रय के करार की दशा में यदि कुछ भंग होता है तो वह भंग मात्र नुकसानी पाने के दावे या क्षतिपूर्ति तक ही सीमित किया जा सकता है कीमत प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि कीमत देने के लिए कोई क्रेता विधिता उस समय बाध्य होता जब माल में की संपत्ति अर्थात स्वामित्व का अंतरण हो जाता चूंकि अभी सामान खरीदार के कब्जे में नहीं आया था तो इस मामले में न्यायालय ने कीमत के लिए बाध्य करने की बजाय या निर्देश दिया कि इसमें प्रतिकर प्राप्त करने का दावा किया जा सकता दूसरा संविदा भंग के लिए उपचारों में धारा छप्पन के अधीन अप्रतिग्रहण के लिए नुकसानी का वाद है अप्रतिग्रहण के लिए नुकसानी का तात्पर्य है कि जहां क्रेता माल का प्रतिग्रहण और उसके संदाय करने की उपेक्षा या उससे सदोष इंकार करता है यानी जहां विक्रेता अप्रतिग्रहण के लिए या माल के अस्वीकृति के लिए नुकसानी का दावा ला सकने के लिए अधिकार पूर्वक अपने अधिकार का प्रयोग करता है अर्थात जब क्रेता बिना किसी अधिकार को रखे हुए माल लेने से या उसके निमित्त भुगतान कर देने से इनकार करेगा तो विक्रेता क्षतिपूर्ति का दावा ला सकेगा यानी क्रेता के पास कोई विधिक अधिकार नहीं है कि वह माल लेने से इनकार कर सके या उसकी लिए जो उसकी कीमत था उसे भुगतान करने से इनकार करे तो यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि माल विक्रय की संविदा के करार के अंतर्गत इस करार को विक्रय में बदलने के लिए यदि विक्रेता ने सद्भावनापूर्ण ढंग से माल में की संपत्ति का अंतरण किया है तब क्रेता का भी यह विधिक कर्तव्य है कि वह उस माल को स्वीकार कर ले और उसके बदले दी जाने वाली कीमत की अदायगी कर ले। लेकिन यदि माल की स्वीकृति करने से यानी उसका प्रतिग्रहण करने से इनकार करता है वह क्रेता तब क्रेता माल के प्रतिग्रहण और उसके संदाय करने की अपेक्षा या सदोष इंकार के कारण विक्रेता को एक अधिकार दे देता है कि विक्रेता उसके विरुद्ध वाद संस्थित करके उस नुकसानी की भरपाई कर सके इसीलिए इस नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या सामान्य नियम होना चाहिए इसके लिए हमको याद रखना होगा कि जब हम भारतीय संविधा अधिनियम की चर्चा करते हैं तो भारतीय संविधा अधिनियम में भी संविदा भंग के कुछ उपचार उपलब्ध हैं विशेष रूप से अधिकारों में बहुत सारे उपचार भारतीय संविधान अधिनियम में उपलब्ध हैं लेकिन नुकसानी के लिए प्रतिकर के संदर्भ में दो धाराएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा तिहत्तर और धारा चौहत्तर जो किसी नुकसानी के लिए प्रतिकर को प्राप्त करने की उपबंध के बारे में बताती हैं उसमें विशेषकर धारा तिहत्तर जो उस परिस्थिति की कल्पना करती है जिसमें संविदा भंग कर नुकसानी का वाद या नुकसानी की भरपाई की जानी चाहिए यदि धारा तिहत्तर को हम भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन याद करें तो उसमें पूर्वकालिक भंग को भी शामिल किया गया है अर्थात धारा तिहत्तर में यह प्रावधान है कि जब किसी कारण से संविदा भंग किया जाता है एक पक्षकार द्वारा और दूसरे पक्षकार को उसमें कुछ हानि होती है तो दूसरा पक्षकार उस पहले पक्षकार से संविदा भंग से उद्भुत होने वाली हानि के लिए प्रतिकर का दावा कर सकता है बसरते वह जो प्रतिकर का दावा है उसे करते समय यह ध्यान देना होगा कि यह नुकसानी रिमोट या दूरस्थ नहीं होनी चाहिए अगर इस संबंध में धारा तिहत्तर को हम एक बार याद करें हैक्सले बना मैंडले के बाद में जिसमें एक आटे की मिल का साफ्ट टूट जाने के बाद एक व्यक्ति ने प्रतिवादी को उस साफ्ट का एक हिस्सा दिया ताकि इसे सही स्थान पर पहुंचा करके उसे बनवा करके वापस प्राप्त किया जा सके इस मामले में जो प्रतिवादी अर्थात जो वाहक था जिसे साफ्ट लेकर के जाना था उसकी सदोष के कारण या उसकी गलती के कारण या उसकी लापरवाही के कारण एक ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हुआ जिसमें विलंब होने के कारण आटा मिल मालिक के आटा चलने में या मिल के चलने में और आटा पीसने के प्रक्रम में काफ़ी विलंब हो गया जिसकी उसे नुकसानी उठानी पड़ी इस मामले में जो विक्रेता अर्थात जिसको हम कह सकते हैं कि जिसने साफ्ट दिया था जो वादी के रूप में पक्षकार था उसका कहना था कि यदि यह लापरवाही नहीं की गई होती और साफ्ट बनवाने में देरी नहीं की गई होती तो हमें जो साफ्ट मिला है यह पहले मिल चुका होता और इससे होने वाले जो लाभ या जो नुकसान है इसका आकलन करके नुकसानी का दावा प्राप्त होना चाहिए न्यायालय ने इस मामले में कहा कि जब भी प्रतिकर की लागत तय की जाएगी तो यह ध्यान में रखना होगा कि वह प्रतिकर ऐसे लाभ या ऐसे हानि को ध्यान में रख कर किया जाए जो दूरस्थ नहीं होगी इस मामले में चूंकि आटा के मिल मालिक के पास अगर यह कल्पना की जाए कि दूसरा साफ्ट मौजूद होता जो पहले साफ्ट के बनने के इंतज़ार करने की बजाय लगा करके प्रयोग किया जा सकता था तो जिस नुकसानी का दावा किया जा रहा है वह वा नुकसानी वास्तव में नहीं होती दूसरी परिस्थिति यह भी है कि ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाए कि वह साफ्ट एक अकेला ऐसा पार्ट था जिसके बिना सारा कार्यभार रुका रहा और जिसके कारण आटा मिल मालिक को नुकसान पहुंचाना पड़ा तब ऐसे में यह उसका कर्तव्य था कि वह वा उस वाहक को बताए कि यह इसकी इतनी महत्ता और आवश्यकता है कि इसके बिना मिल को बंद रखना पड़ेगा जिसके बारे में उसे कोई सूचना नहीं दी गई ऐसे में विलंब के कारण जो नुकसान किया गया है या जो नुकसान जिसकी भरपाई करने के लिए दावा की बात की जा रही है या प्रत्यक्ष ना होकर दूरस्थ की प्रतीत होती है तो हम लोग को इस धारा तिहत्तर के सिद्धांत को धारा छप्पन के साथ अनुप्रयोग करके देखना होगा अर्थात अगर कोई नुकसानी का दावा किया जाता है जहां एक पक्षकार जो कि विक्रेता है क्रेता द्वारा कीमत का संदाय करने में इंकार करने से या माल के स्वीकार करने में इंकार करने के कारण किसी रूप में नुकसानी का वाद लाता है या प्रतिकर का दावा करता है तो न्यायालय यह भी देखेगा कि क्या यह जो प्रतिवाद है जिसमें नुकसानी के लिए वाद लाया गया है यह दूरस्थ प्रकृति का तो नहीं है अर्थात नुकसानी की सीमा को तय करने के लिए भारतीय संविदा अधिनियम की धारा तिहत्तर और चौहत्तर का सहारा लेना पड़ेगा और जब माल ऐसे प्रकृति का हो कि बाज़ार में आसानी से बिक सकता हो तब सिद्धांत यह है कि जितने दाम विक्रेता को मिले हैं उतना ही प्रतिकर उसे मिलना चाहिए यदि विक्रेता माल ना बेचे तो भंग के दिन बाज़ार की कीमत और कीमत जो संविदा के अधीन है उसके अंतर को प्राप्त किया जा सकता है इसका एक उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी विक्रेता ने किसी क्रेता को एक अमुक मूल्य पर कुछ सामान बेचा क्रेता का यह विधिक कर्तव्य था कि उस माल को स्वीकार करे और उसके बदले दी जाने वाली कीमत का संदाय करे लेकिन क्रेता ने उस माल को स्वीकार करने या कीमत को देने के अपने सदोष इंकार के कारण उस संविदा का भंग कर दिया ऐसे में विक्रेता के पास यह अधिकार होगा कि उस नुकसानी से होने वाले जो नुकसान है या उसका जो प्रतिकर है उसकी प्राप्ति के लिए वह दावा कर सके ऐसे में वह दावा किस राशि का किया जाएगा क्योंकि जब भी कोई विक्रेता होता है वह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करे और जबकि क्रेता होता है वह चाहता है कि कम से कम लाभ पर हमें वस्तु प्राप्त हो ऐसे में ज़्यादा से ज्यादा लाभ की लालसा को जब वह इस प्रतिकर के रूप में प्राप्त करना चाहता है तो वह शायद उसी अनुपात से उसकी गणना करेगा लेकिन न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि वास्तविक नुकसान कितना हुआ है और इसी को स्पष्ट इस करते हुए कहा गया है कि यह एक टेस्ट या परीक्षण का विषय होता है कि मान लीजिए जिस दिन उस समान को या उस माल को बेचने की करार किया गया या जिस दिन माल को बेचा गया और उसकी स्वीकृति होनी थी उस दिन उस माल को बाज़ार में बेचने पर क्या मूल्य था अर्थात जो संविदा के अंतर्गत जो निर्धारित मूल्य थे उसमें और जब इनकार किया गया और इस माल को आसानी से जब मार्केट में या बाज़ार में बेचा जा सकता है तो जिस मूल्य पर बाज़ार में बेचा गया उसमें क्या उसे लाभ या हानि हुई उन दोनों के बीच में यदि कोई नुकसानी का प्रतिकर उत्पन्न होता है तो उस सीमा तक वह प्रतिकर प्राप्त कर सकता है इसे एक दृष्टांत के रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक गेहूँ का पैकेट जो विक्रेता द्वारा विक्रय के करार के अधीन विक्रेता को सौ रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचने का करार किया गया था लेकिन सदोस इंकारी और कीमत ना देने की वजह से उस माल के विरुद्ध प्रतिकर पाने के लिए विक्रेता द्वारा वाद लाया गया और वाद लाने के समय जो वस्तु थी उसको आसानी से मार्केट में बेचा जा सकता था और विक्रेता द्वारा जब वह बेचा गया तो वह नब्बे रुपए के बाजार मूल्य पर अपने माल को बेच सका ऐसे में यदि देखा जाए तो जो प्रारंभिक संविदा की गई थी जिसमें सदोष इंकारि किया जा रहा था उसके मूल्य में और वर्तमान में बेचे गए मूल्य में दस रुपये का अंतर है ऐसे में न्यायालय यह निर्णय ले सकेगा और धारा तिहत्तर के अंतर्गत भी यह प्रावधानित है कि वह दस रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रतिकर का दावा प्राप्त कर सकता है या उसे प्रतिकर दिया जा सकता है यहाँ पर हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि यह आवश्यक नहीं है कि यदि किसी निश्चित तिथि को संदाय करने की बात कही गई है और पहले ही संदाय करने से इनकार कर दिया जाए तो विक्रेता को निश्चित तिथि आने तक इंतजार करना चाहिए मामला भारतीय संविदा अध्ययन के अधीन होचस्टर डी लाटूर का भी देखा जा सकता है जो पूर्वकालिक भंग से संबंधित है अर्थात यदि कोई पूर्वकालिक भंग होता है तो पक्षकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी निश्चित तिथि तक वह इंतजार करे बल्कि पूर्वकालिक भंग का साशय उसकी गणना या साशय उसका जो अर्थ है वो प्राप्त होने पर या इस आशय को प्राप्त हो जाने पर कि दूसरा पक्षकार अब संविदा पालन नहीं कराना चाहता है तब पूर्वकालिक भंग के अधीन वह पहले ही उस प्रतिकर को प्राप्त करने के लिए ऐसा दावा ला सकता है जैसा होचस्टर डी लाटूर के बाद को अगर हम याद करें जिसमें जहाज से यूरोप की टूर पर जाने वाले तीन चार लोगों ने एक व्यक्ति को एक नौ युवक को कुरियर के रूप में साथ में रखने की अपनी अनुमति प्रदान की थी और उसे एक निश्चित राशि पर साथ में चलने के लिए करार भी लिया था लेकिन अभी समय आता उससे पहले और उससे पूर्व ही पत्र लिखकर उस नवयुवक को मना कर दिया गया कि अब आपकी सेवाएं हमें नहीं चाहिए और आपकी सेवाएं हम नहीं लेंगे ऐसे में जब संविदा भंग का वाद उस नवयुवक द्वारा लाया गया तब यह तर्क रखा गया कि चूंकि अभी यूरोप के टूर के जाने का समय नहीं आया है और जहाज जिस यूरोप के टूर पर जिस तिथि को ले जाया जाएगा वह तिथि अभी आई ही नहीं है ऐसे में संविदा भंग का वाद नहीं लाया जा सकता है बल्कि उस समय तक इंतजार करना पड़ेगा और उस समय के बीत जाने के बाद ही वाद को दाखिल किया जाएगा न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह कोई विषय नहीं है कि भंग के तिथि में और संविदा के पालन की तिथि में अंतर होने पर बाद की तिथि तक इंतजार किया जाए क्योंकि अगर आशय स्पष्ट है कि दूसरा पक्षकार संविदा पालन नहीं करना चाहता है तो पहला पक्षकार चाहे तो जिस क्षण संविदा भंग किया गया है उसी क्षण संविदा भंग का वाद दाखिल कर सकता है इसे सामान्य शब्दों में हम एक पूर्वकालिक भंग के लिए लाया गया वाद कहते हैं हाँ यह एक अलग विषय हो सकता है कि पूर्वकालिक भंग पर अगर तुरंत वाद ना लाया जाए और उस तिथि तक इंतजार किया जाए लेकिन उस तिथि के इंतजार करने के दौरान यदि उस तिथि पर संविदा का पालन कर दिया जाता है तो पहले पक्षकार द्वारा संविदा भंग का वाद नहीं लाया जाएगा क्योंकि नियत तिथि को संविदा पालित कर दी गई है ऐसे में पूर्वकालिक भंग होने पर तुरंत यदि संविदा भंग का वाद लाया जा रहा है तो उस वाद को दाखिल किया जा सकेगा और उसमें प्रतिकर का दावा किया जा सकेगा धारा तिहत्तर और धारा चौहत्तर में निहित इन सिद्धांतों को धारा छप्पन में संविदा में भंग के लिए प्राप्त प्रतिकर के साथ अनुप्रयोग को देखना होगा और इन नियमों के अधीन रहते हुए आप प्रतिग्रहण की नुकसानी का प्रतिकर, प्रतिकर प्राप्त किया जाएगा अर्थात यह सिद्धांत तब भी लागू होगा जब विक्रेता की वास्तविक हानि संविदा मूल्य तथा बाजार मूल्य के अंतर से कम या अधिक हो जैसे सुरेश कुमार राजेंद्र कुमार बनाम असन के बाद में वादी ने विक्रेता को कुछ सामान बेचा जिसे सामान को स्वीकार करने और भुगतान करने से क्रेता द्वारा इंकार कर दिया गया ऐसे में वादी के व्यवसाय में जो सामान्य कीमत पर वह माल बेचा जाता था उससे कम कीमत पर माल को बेचा जाया गया अदालत ने माना कि विक्रेता को उस वस्तु के अनुमानित कीमत और जो वास्तविक कीमत जिस पर बेचा गया था उसके बीच की अंतर की राशि को प्राप्त कर सकता था और उसे हर जाने के रूप में वह ले सकता था और जब माल किस्तों में देना तय हुआ हो तो क्रेता अगर कुछ एक या दो किस्तें देने के बाद बाकी की किस्त देने से इनकार कर देता है तो जिस दिन से बाद से वह किस्त देने से मना करता है किस्त में दी गई राशि और बाजार में मूल्य में दी गई राशि के अंतर को देखा जाना चाहिए यानी बाकी के माल के लेने से इनकार कर देने पर जैसे एक मामले में न्यायालय ने उस मूल्य से प्रतिकर दिलाया जिस मूल्य से उस संविदा के अंतर्गत मूल्य और उस दिन बेचे गए बाजार के मूल्य से अंतर उस राशि का आ रहा था इस प्रकार अभी जो हमने अधिकारों की चर्चा की जो संविदा भंग से उत्पन्न होते हैं वे वे अधिकार थे जो विक्रेता का क्रेता के विरुद्ध थे इसी प्रकार से क्रेता के विक्रेता के विरुद्ध भी अधिकार हैं हमने देखा कि जो विक्रेता के अधिकार हैं वह दो रूपों में थे माल के विरुद्ध अधिकार और क्रेता के विरुद्ध अधिकार माल के विरुद्ध अधिकारों की चर्चा हम लोग ने पहले ही कर दी जबकि आज के व्याख्यान में क्रेता के विरुद्ध किसी विक्रेता के क्या अधिकार है जिसका उल्लेख हम लोग धारा और में किए हैं उसी प्रकार एक क्रेता के विक्रेता के विरुद्ध क्या अधिकार होंगे उनकी चर्चा धारा सत्तावन और अट्ठावन में की जा रही है और विशेषकर धारा अट्ठावन जो कि विनिर्दिष्ट पालन से संबंधित है तो सबसे पहले हम धारा सत्तावन में उस परिस्थिति को देखेंगे जहां माल ना देने के कारण यदि कोई नुकसानी होती है तो क्रेता विक्रेता के विरुद्ध किन उपचारों को प्राप्त कर सकता है माल ना देने या अपरिदान की स्थिति में जहां की विक्रेता माल का परिदान क्रेता को करने की उपेक्षा करता है या माल देने से सदोष इंकार करता है वहां क्रेता अपरिधान के लिए नुकसानी का वाद विक्रेता के विरुद्ध ला सकता है अर्थात जब विक्रेता संविदा के अनुसार क्रेता को जो माल में स्वामित्व का अंतरण किया जाना चाहिए या जो माल देना चाहिए वह माल देने में असमर्थ हो जाता है तो क्रेता इसके लिए नुकसानी का वाद ला सकता है परंतु एक ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है जहां माल ऐसा है जिसे क्रेता जहां भी चाहे खरीद सकता है आवश्यक नहीं कि वह उसी व्यक्ति या विक्रेता से खरीदे तो ऐसे में संविदा भंग होने पर जो वाद लाया जाएगा वह संविदा के दिन जो कीमत थी और बाजार की जो कीमत थी उसके बीच में अंतर की राशि के रूप में वह वसूल सकता है अर्थात संविदा भंग होने पर क्रेता को होने वाली हानि का हिसाब संविदा के अंतर्गत की जो कीमत थी और अन्य स्थान पर की जाने वाली खरीददारी के मामले में जो कीमत है उसके वास्तविक अंतर के रूप में लिया जाना चाहिए अर्थात वास्तव में धारा 57 क्रेता को अधिकार देने के साथ साथ एक कर्तव्य भी देता है और वह कर्तव्य यह देता है कि नुकसानी के ये प्रतिकर का वाद दाखिल करते समय नुकसानी के प्रतिकर को अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ा ना बताया जाए अर्थात यदि माल ऐसा है कि जहाँ पर क्रेता है वहां पर किसी अन्य से वह माल खरीद सकता है तो ऐसे में जब संविदा भंग हुई है जिस विक्रेता के साथ अपने प्रथम या मूल संविदा में उसमें जो नुकसान हुआ है उसको आज के वर्तमान मूल्य और जिस स्थान पर वह खरीद रहा है उसके मूल्य के अंतर के हिसाब से निम्नतम मूल्य के रूप में प्रतिकर को वह ले ना कि वह अधिकतम प्रतिकर को बढ़ा चढ़ा कर ले ऐसा कर्तव्य धारा सत्तावन में इस अधिकार के साथ साथ कि क्रेता को विक्रेता के विरुद्ध माल के परिदान ना करने के बारे में है इस कर्तव्य के साथ ही दिया गया है सीताराम श्री गोपाल बनाम दुलारी देवी के बाद में न्यायालय ने कहा कि संविदा जब भंग होती है तो संविदा भंग होने पर संविदा मूल्य और बाजार मूल्य का जो अंतर होता है उसी को नुकसानी के रूप में लेना चाहिए और इसके अंतर को साबित करना पड़ेगा अर्थात संविदा भंग के कारण क्रेता लाभ नहीं ले सका है तो उसे संविदा पर यानी नुकसानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात जो अंतर हो वो वास्तविक अंतर हो यह तर्क यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है कि यदि यह संविदा भंग नहीं की गई होती तो शायद कुछ अन्य लाभ भी उस क्रेता को हुए होते अर्थात क्रेता भविष्य में होने वाले लाभ या इस परिकल्पना के साथ कि यह संविदा पूरी गई होती और माल का परिदान हो गया होता तो उसे अन्य क्या क्या लाभ हो सकते थे जिसे हम दूरस्थ लाभ के रूप में कह रहे हैं तो धारा तिहत्तर के प्रावधानों को जो भारतीय संविदा अधिनियम की विधि के अंतर्गत है उनको ध्यान में रखते हुए हमें करना होगा अर्थात हम दूरस्थ लाभ को छोड़कर वास्तविक लाभ की गणना करते हुए या वास्तविक हानि की गणना करते हुए ही प्रतिकर के रूप में दावे को स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि जो संविदा उल्लंघन है उसके परिणाम संभावित होते हैं कि लाभ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसलिए जो सामान्य प्रतिकर का जो नियम है उसी नियम को लागू किया जाना चाहिए जेम्स फिनेले बनाम एनवी के न्यायालय ने कहा कि जहां तक हो सके हानि को कम करना चाहिए परंतु ऐसा भी नहीं है कि कि किसी क्रेता से आप अपेक्षा करें कि यदि उसका एक व्यापारिक नाम है कुछ गुडविल है कुछ साख है तो उस साख से या गुडविल से समझौता करके वह नुकसानी को कम करे नुकसानी को कम करना उस सीमा तक कम करना है कि वह उससे कोई विशेष लाभ ना कमाता हो और विक्रेता पर जिसने संविदा भंग किया है कोई विशेष हानि या जोखिम ना दिया जाए या उस पर कोई अतिरिक्त दबाव ना दिया जाए इस प्रकार नुकसानी कम करने के कर्तव्य के साथ क्रेता माल के परिधान ना होने की स्थिति में विक्रेता के विरुद्ध अपने वाद को दाखिल करके प्रतिकर पाने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है इसी प्रकार कोस्टल इंटरनेशनल ट्रेडिंग बना मोराल के बाद में न्यायालय ने कहा कि जब माल कोई ऐसा है जो बाजार में नहीं हो मिल पा रहा हो अर्थात जिस समय संविदा की गई उसमें और जब संविदा के अंतर की नुकसानी को देखना है तो बाज़ार में उसका कोई मूल्य के निर्धारण का तरीका नहीं अथवा बाजार में उपलब्ध नहीं है तब वह कौन सा तरीका है कि उसके अंतर को ज्ञात किया जा सके प्रतिकर पाने के दृष्टि से तो न्यायालय ने कहा कि जब अंतर को नहीं जाना जा सकता है तब यह देखा जाएगा कि माल में क्या लाभ हो सकता था यानी माल में होने वाले प्रत्यक्ष और संभावित लाभ और माल में जो कीमत की अदायगी की जानी थी उनके बीच के अंतर को प्रतिकर के रूप में लिया जा सकता है या हिसाब में या गणना में शामिल किया जा सकता है लेकिन पालन करने के लिए एक तथ्य यह भी है कि जब भी संविदा या संसर्ग किया जाए तो बंध पत्र या जफ्ती खंड का भी प्रावधान हो जाए बंद पत्र या जफ्ती खंड के प्रावधान होने का मतलब है कि बंद पत्र या जफ्ती खंड के अंतर्गत तो कुछ सुरक्षित या सिक्योर या सिक्योरिटी मनी जिसे हम कह सकते हैं एक सुरक्षा राशि का दावा किया जा सकता है कि संविदा के पूरे होने पर जब कीमत का भुगतान कर दिया जाएगा तब यह सुरक्षा राशि वापस होगी ऐसे में यदि वह सुरक्षा राशि रखी गई है और विक्रेता द्वारा माल का परिदान नहीं किया गया है तब माल के परिधान ना करने की स्थिति में उस धन राशि की विक्रेता द्वारा मांग करने पर वह राशि उसे लौटा दी जाएगी लेकिन उस जफ्ती के बाद जो नुकसानी के रूप में क्रेता को विक्रेता द्वारा माल परिधान ना करने की स्थिति में हुई है और इसी प्रकार इसमें जो दूसरा अधिकार किसी क्रेता को विक्रेता के विरुद्ध है वह वा है वारंटी भंग के लिए अर्थात जहां वारंटी का भंग विक्रेता द्वारा किया जाता है और क्रेता यह निर्वाचित कर सकता है कि ऐसा मानने के लिए विवश किया जाए कि विक्रेता का जो पक्ष है वह शर्त भंग का है या वारंटी भंग का है तो वहां क्रेता वारंटी भंग के कारण उस माल को प्रतिपित करने का हकदार नहीं होगा लेकिन वारंटी के जो भंग की कीमत है कम या विक्रेता के विरुद्ध रख सकेगा और वारंटी भंग के लिए विक्रेता के विरुद्ध नुकसानी का वाद ला सकेगा हमको यहाँ समझना होगा जब हम शर्तें और वारंटियाँ पढ़ रहे थे उस व्याख्यान के अंतर्गत हमने देखा था कि धारा 12 की उपधारा एक दो और तीन में जो शर्तें हैं और वारंटियां हैं उनके अंतरों को बताया गया था खासकर वारंटी और शर्त को 12 की उपधारा एक में परिभाषित किया गया था लेकिन धारा 12 की उपधारा तीन में यह बताया गया था कि जो वारंटी है वह वा किसी संविदा के लिए एक संपार्श्विक या द्वितीयक शर्त है अर्थात ऐसी कोई शर्त जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए कार्य करती है अगर सम्पार्शर्विक रूप में है तब वह वा वारंटी होगी और वारंटी के भंग होने पर नुकसानी के लिए उपचार प्राप्त किया जा सकता है और यहां दो परिस्थितियां वास्तव में जो भंग है वो शर्त का भंग हुआ हो वैलिस बनाम पुट का मामला हमें फिर से याद करना होगा जो हम लोगों ने अपने पुराने व्याख्यान में देखा था जहां न्यायालय ने कहा था कि एक शर्त का भंग होना शर्त का भंग ही कहलाएगा वारंटी का भंग नहीं होगा हाँ विधिक उपचार पाने की दृष्टि से किसी शर्त के भंग होने की स्थिति में उसे वारंटी के उपचार के रूप में लिया जा सकता है जिससे वारंटी के उपचार अर्थात जो नुकसानी का दावा है उसे प्राप्त करने के लिए हम उसे उपचार के रूप में शामिल कर सकते हैं इस प्रकार इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी किसी वारंटी का भंग होता है अथवा जब किसी शर्त के भंग को वारंटी के भंग के रूप में स्वीकार किया जा सकता है दोनों ही सीरत में दोनों ही स्थितियों में वारंटी के भंग के उपचार को प्राप्त करने के लिए क्रेता विक्रेता के विरुद्ध ऐसा उपचार ले सकता है इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट अट्ठारह की धारा तिरपन दो में यह स्पष्ट किया गया कि वारंटी के भंग के लिए केवल उतनी ही नुकसानी ली जा सकती है जितना घटनाओं के कारण साधारण अनुक्रम में वारंटी भंग में प्राकृतिक तथा प्रत्यक्ष रूप से हुई है जैसे मैसन बनाम बर्मिंघम के मामले में एक पुराना टाइपराइटर खरीदने वाले व्यक्ति ने इसकी मरम्मत के लिए कुछ धन खर्चा किया लेकिन जब टाइपराइटर चोरी हो गया तो चोरी होने के बाद पुलिस ने उस टाइपराइटर को पुनः बरामद करा लिया और ऐसा टाइपराइटर बेचकर विक्रेता ने इसकी वारंटी का भंग कर लिया क्रेता को अधिक अधिपत्य मिलेगा ऐसा सोचा गया लेकिन अभी निर्धारित किया गया कि क्रेता केवल दाम ही नहीं वरम मरम्मत के खर्चे को भी विक्रेता से ले सकता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष प्रभाव था ना कि दूरस्थ प्रभाव इसी प्रकार सल्फर की तेजाब के बारे में कहा गया कि चूंकि यह आर्सेनिक से मुक्त है और इसलिए करार में आगे बढ़ा गया लेकिन विक्रेता नहीं जानता था कि क्रेता किस लिए ऐसे माल को खरीद रहा था और क्रेता ने उसे ग्लूकोज में मिलाया जिसके कारण उसे नुकसान हो गया और जब वह बेचा तो तेजाब जहरीली निकली और व्यक्ति जो बियर को पीने वाले थे उनकी मृत्यु हो गई तो इसलिए जब विक्रेता द्वारा जब कोई दोष है तो उसकी सूचना देने का कर्तव्य भी होता है हमने देखा कि इसमें यदि विक्रेता जो अधिकार इस धारा में दिया गया है उसका उपयोग तब तक नहीं कर सकता अगर क्रेता ने शर्त का अधित्याज कर दिया हो यानी कि जो शर्त है वह आत्यांतिक नहीं है इसलिए जब भी इसका प्रयोग किया जाए वह कर्तव्य के अधीन है और कर्तव्य यह है कि विक्रेता द्वारा किसी दोष को सूचित किया जाए इस प्रकार जो संविदा भंग के लिए लाने वाले वादों में है उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य क्रेता द्वारा पुनः विक्रय भी है यानी कि जब क्रेता ने माल को आगे बेच दिया है तब आवश्यक है क्रेता ने माल का पुनः विक्रय करने से पूर्व दोष जानने में कोई उपेक्षा नहीं की हो यानी क्रेता के पास माल देख लेने का पर्याप्त समय था लेकिन माल बेचने पर भी उसे चुप रहना यह सब तथ्य ऐसे हैं जो यह बताते हैं कि मरणानुसार अगर माल विक्रय हुआ हो तो क्रेता को माल की जांच करने का अवसर नहीं मिला इसलिए यह माल प्रतिगृहित नहीं किया और कीमत दे दी गई तो इससे जो धारा नब फिफ्टी नाइन या धारा उनसठ है उसके अंतर्गत उपाय में नहीं लिया गया और इसके अलावा संविदा पालन ना करने के संदर्भ में या भंग के संदर्भ में विनिर्दिष्ट पालन से संबंधित धारा अट्ठावन महत्वपूर्ण है जो माल के परिदान में भंग के किसी वाद में यदि न्यायालय ठीक समझे तो बिना किसी विकल्प के नुकसानी देकर यह निर्देश कर सकेगा कि संविदा का पालन करा दिया जाए और इसी प्रकार संविदा पालन के लिए या नुकसानी देने के लिए बजाय यह न्यायालय का विवेक है जो मामले की तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है और इसी प्रकार कुछ उपाय जो क्रेता और विक्रेता दोनों को ही दिए गए हैं विशेष रूप से धारा 60 में जिसमें सम्यक तारीख की पूर्व निराकरण की बात की गई है अर्थात धारा साठ जिसमें पालन की तिथि से पूर्व होने वाले निराकरण के प्रभाव बताए गए हैं जैसे होचास्टर डी लाटूर का वाद जिसकी हम लोगों ने अभी चर्चा की पूर्वकालिक भंग के लिए देखा जा सकता है और साथ ही साथ धारा इकसठ जिसमें व्याज की वसूली के लिए भी वाद लाया जा सकता है इस प्रकार धारा सत्तावन अट्ठावन उनसठ और साठ में हम लोगों ने देखा किस प्रकार संविदा भंग से होने वाले नुकसानी का वाद दाखिल करके उसके लिए प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार आज इस विषय के व्याख्यान की अंतिम कड़ी में और इस आखिरी व्याख्यान में हम लोगों ने देखा किस प्रकार दोनों ही पक्षकार चाहे क्रेता हो या विक्रेता हो यदि कोई नुकसानी होती है तो विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत उनके अधिकार को किस प्रकार संरक्षित किया गया है और माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत किन प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है धन्यवाद Hello and welcome to this piece of Literary Snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.